इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड स्टार सनी देओल के बारे में। हाल में हो रहे लोकसभा चुनाव में काफी बॉलीवुड स्टार शिरकत कर रहे हैं, काफी नए बॉलीवुड सितारों ने पार्टियां ज्वाइन की हैं और लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां बॉलीवुड सितारों को पार्टी में ज्वाइन करने का प्रस्ताव दे चुकी है। अब इस कड़ी में बॉलीवुड स्टार सनी देओल का नाम भी सामने आ रहा है। इससे पहले अक्षय कुमार, सलमान खान जैसे बड़े सितारों का नाम भी आ चुका है, लेकिन अब इस लिस्ट में बॉलीवुड स्टार सनी देओल का नाम भी जुड़ चुका है। सनी देओल के बारे में कहा जा रहा है कि सनी देओल बीजेपी में जा सकते हैं। सनी देओल को बीजेपी पंजाब के गुरदासपुर सीट से चुनाव में उतार सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले सनी देओल के पिता धर्मपाजी भी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं और धर्मपाजी की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी भी बीजेपी की तरफ से चुनाव में भाग ले रही है। इससे पहले सनी देओल बीजेपी के लिए कई बार प्रचार भी कर चुके हैं। ऐसे में अगर बीजेपी सनी देओल को पंजाब की गुरदासपुर सीट से उतारती है तो इसका लाभ हमें पंजाब की सीटों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सनी देओल को इसका ऑफर बीजेपी ने दिया है, लेकिन सनी देओल ने अभी तक इसी पर कोई भी बयान नहीं दिया है। अब देखना यह होगा कि सनी देओल बीजेपी को ज्वाइन करते हैं या नहीं, या फिर वो कितने टाइम में बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। तो आप सनी देओल को चुनाव में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, साथ ही उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और इस घंटे के आइकन को दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं।